मैं विवेक जैन। खरगोन में इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम पर बिजली बिल का वितरण किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के बिल हजारों रुपए की लागत में आने लगे। फरवरी से लागू हुई योजना के पहले तक संबल नाम से योजना संचालित थी, जिसमें पंजीकृत लोगों के बिल 200 रुपए के आते थे। सरकार बदलने के बाद सत्ता में बैठे कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति नाम से योजना का संचालन किया। फरवरी में पत्र जारी करते हुए जानकारी दी गई, 100 यूनिट तक का बिल 560 रुपए का होगा, जिसमें से 460 रुपए योजना में दी जाने वाली सब्सिडी होगी। इस तरह उपभोक्ता का बिल 100 रुपए होगा। आज फन गांव के ग्रामीणों ने खरगोन के विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों को ग्रामीणों को वापस लौटा दिया। ग्रामीणों से कहा गया कि जो योजना संचालित हो रही है उसी के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर अपनी समस्या बताई। फिलहाल ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता विद्युत मंडल कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला दादा, एमपी भी आए बोले बिल ज्यादा है। सरकार भी जब 200 था फिर अभी 100 कर दिया था बिल, ओका बाद में अभी 8-8 हजार, 3-3 हजार, 3500, 1500 इतने बिल आई रोज। तो कमल सरकार आई उसके बाद कितना बिल हो गया था? 100 रुपया। और कितने दिन में बदल दिया? दो तीन महीने। संबल योजना खत्म कर दी। खत्म। अब क्या बोल रहे एमपीवी वाले? कुछ नहीं होगा, पैसे भरना पड़ेगी। कितना कितना बिल आया आप लोगों का? 8000, 3000, 1500, 1700, 1800। मतलब किसी का भी हजार के आंकड़े से कम का बिल? हजार से तो कम कर बात ही नहीं होती है। ये 8000 ही भैया का भी आया। कितने का बिल आया? 8000। इसलिए आए हो आप एमपीवी? बिजली बिल के लिए आए। क्या हो गया? बिजली बिल ज्यादा आ गया। कितना? 2000 से ऊपर है, 2062। पहले कितना आता था? पहले आता था 100 रुपए। तो इतना तेजी से बिल इतना कैसे बढ़ गया? सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही बिजली का बिल? केंद्र सरकार उनकी बनी, बिजली बिल ज्यादा आने लगते। पहले 100 रुपए आता था, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार में 200 रुपए संबल योजना में, फिर उन्होंने बिजली बिल हाफ किया, 100 रुपए आने लगा और आप 2000 से ऊपर हो गए। अब ऐसी स्थिति में आदमी कैसा बिल भरेगा?